मैं एक आरती करने लगा था किसी मंदिर में, जब से अच्छा भगवान ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा है कि वो छोड़ ही नहीं रहा। जी कभी कभी वो यात्रा पे भी लगा देता है मेरे को। कहीं पे पहले मैंने चार धाम यमुनोत्री गंगोत्री की यात्रा करी है, फिर भगवान की ही कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब काम हो रहे हैं। जी अब रामायण का भी मेरा संकल्प है 108 बार पढ़ने का, तो वो मैं अभी 48 बार पढ़ रहा हूँ, 48 बार हो चुके पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहे हैं अड़तालीस 48 बार। बार जी पढ़ रहा हूँ। वैसे तो कहा जाता है कि कण कण में प्रभु का वास है, लेकिन प्रकृति के गोद में, प्रकृति में जो है, प्रकृति की अनुपम छटा में तो निश्चित तौर पर भगवान रहते हैं, निश्चित तौर पर ठाकुर जी हमारी राधा रानी का विचरण होता है। आज एक ऐसे ही घने जंगल में, वन में आए हुए हैं, जहां आप सबको दिखाएंगे एक ऐसे अद्भुत संत का दर्शन जो घनघोर जंगल में तपस्या कर रहे हैं। उससे पहले आप देखिए, उससे पहले वन का वातावरण देखिए कि कैसे कमल तालाब आप सबको दिखाई दे रहा है। यानी अपने ठाकुर जी के पूजा के लिए, अपनी ठाकुर जी के स्तुति के लिए कमल तालाब जो है वो यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर कमल खिलते हुए आपको दिखाई देंगे, और यही पुष्प जब ढेर सारे हो जाते हैं तो एक एक करके ठाकुर जी को, यानी कन्हैया को और हमारी राधा रानी जी को अर्पित किया जाता है। यहाँ वन की अगर छटा देखेंगे तो एकदम घनघोर आपको जंगल दिखाई देगा, बहुत घनघोर जंगल। चारों तरफ ऐसा दिखा है यहाँ का वातावरण कि अगर अनजान व्यक्ति आ जाए तो उसके आने के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये एकदम कांटों की एकदम जो है श्रृंखला आप देख सकते हैं, पेड़ पौधों की जो जटाएं हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, जो उनकी टहनियां हैं, वो एकदम दिखाई देंगी। और ये वर्षों वर्ष तक साधना करने वाले हमारे पूज्य संत महाराज जी हैं। एक तरफ अगर और आप देखेंगे तो आपको पूरा ये जंगल का वो वातावरण दिखाई देगा, और इसी वातावरण में तपस्या और साधना करते हैं हमारे पूज्य संत महाराज जी। यहाँ पर भी टहनियों को देखेंगे तो एक दूसरे से एकदम जैसे लगता है कि प्रेम और भाव और भक्ति का रस यहाँ आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन में सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक बंधुत्व की भावना, एक प्रेम की भावना, एक स्नेह की भावना। और ये भावना क्यों पनपती है? क्योंकि ठाकुर जी और राधा रानी ने यहाँ पर किया है महारास, और वो सभी को सिखाते हैं कि प्रेम और भाव और भक्ति के रस में हर कोई डूब जाए। यहाँ आइए, देखिए संत महाराज जी साधना और तपस्या में लीन है। आप सब देख सकते हैं कि चारों तरफ से पेड़ पौधे और इनकी जटाएं जो हैं, श्रृंखलाएं आपको दिखाई देंगी, और इन्हीं के बीच में पूज्य संत महाराज जी साधना और तपस्या करते हुए आप सबको दिखाई दे जाएंगे। बहुत बहुत पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। महाराज जी आज्ञा और आदेश। महाराज जी इस घने वन में तपस्या साधना कर रहे हैं। कभी मैं आपको देखता हूँ कि रामचरितमानस रामायण का पाठ करते हैं, कभी चिड़ियों को दाना देते हैं, कभी मैं देखता हूँ कि जंगल में जो छोटे छोटे जीव हैं उनकी भी सेवा करते हैं। जी ये तो प्रभु की इच्छा है, उसी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अच्छा, तो उन्हीं की कृपा से ये सारा मिला है। जो भगवान को एक बार प्रिय, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है जी कि जो मानस मेरे को पसंद आ जाए तो मैं उसका फिर हाथ नहीं छोड़ता जी। मैं एक आरती करने लगा था किसी मंदिर में, जब से भगवान ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा है कि वो छोड़ ही नहीं रहा जी। कभी कभी वो यात्रा पे भी लगा देता है मेरे को। कहीं पे पहले मैंने चार धाम यमुनोत्री गंगोत्री की यात्रा करी है, फिर मैंने साइकिल पे चार ये करे हैं, जगन्नाथपुरी ऋषिकेश से चला था, जगन्नाथपुरी रामेश्वरम त्र्यंबकेश्वर, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भी हुए भगवान की कृपा से। मेरे चारों धाम एक पूरे हो गए, चारों धाम एक पूरे हो गए। ये मेरा भगवान की ही कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब काम हो रहे हैं जी। अब रामायण का भी मेरा संकल्प है 108 बार पढ़ने का, तो वो मैं अभी 48 बार पढ़ रहा हूँ। 48 बार हो चुके पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहे हैं 48 बार पढ़ रहा हूँ। तो भाई इसी तरह उसी की कृपा है, आश्रम में रह रहे हैं जी, और बहुत अच्छा लगता है जी, और बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी पूरे देश भर के तीर्थ स्थलों का आपने अधिकांशतः
दर्शन किया है, पूजन किया है, साइकिल यात्रा, पैदल यात्रा, तो इस घने वन में कैसे आ गए और यहाँ साधना तपस्या कैसे कर? उसी की इच्छा से आया, हमारी अच्छा। क्या इच्छा है, हम वृंदावन में आए तो उसे कोई आदमी कहने लगे महाराज कैसे, मैंने बताया तो वो कहने लगे इधर आश्रम है, आप उस आश्रम में रहो जी। मैं यहाँ आया, मेरे को अच्छा लगा और अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। फिर उठते हैं, स्नान करते हैं, इधर सफाई सुई करते हैं, फिर बाल बो करने के बाद रामायण पढ़नी शुरू कर देते हैं जी। अभी भोजन करा था, अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, अभी फिर रामायण पढ़ेंगे हम, फिर रामायण पढ़ेंगे। रामायण इसी तरह हमारा काम चलता रहता है, भगवान में लगे रहते हैं जी। उन्हीं की इच्छा, उन्हीं ने सारा काम जी दिया हुआ है, दिया हुआ और हम कर रहे हैं, कर रहे हैं जी। चारों तरफ एकदम जंगल ही जंगल है एकदम, अगर बहुत सारे स्थान पर हम यहाँ गए हैं तो सूर्य की रोशनी भी धरती पर नहीं पहुँचती, लेकिन आपको देख रहे हैं आप एकदम मगन हैं, आप एकदम आनंद में हैं। तो हमारा उसी पे भरोसा है ना, वही रक्षा करता है हमारी। अच्छा। हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं आती जी, कोई कहीं हम फंस जाते हैं पता नहीं किस रूप में, वो आके हमारी रक्षा कर देता है और हम जी फिर अपना उसी तरह रह लेते हैं जी। उस पे जब हमने भरोसा ही कर दिया, अपने आप को ही उसी को सिलेंडर कर दिया, उसी में ही छोड़ दिया, तो फिर हमें तो कोई ज्यादा जी टेंशन लेने की चिंता ही नहीं, हम तो उसी में दिमाग लगाए रखते हैं अपना जी। संसारिक भोग त्याग रहे हैं, बिल्कुल त्यागा भी गया है जी, या रह गया वो भी भोलेनाथ ने त्यागना जी, बंसरी वाले ने त्यागना है ये सब जी, कुछ जी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि सारा कुछ भरोसा ठाकुर जी पे, सारा कुछ भरोसा राधा रानी पर ही छोड़ दो और सारे काम बन जाएंगे, सब काम बनते हैं, ना बनने का तो मतलब ही नहीं है जी। बहुत सारे लोग जीवन में आस और उम्मीद तोड़ देते हैं, बहुत मुश्किल जब जिंदगी में आती है तो परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा तो सब भरोसा ही टूटता जा रहा है। गलत है ये गलत है जी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रयास करते रहो, कुछ ना कभी भगवान सक्सेस कर ही देगा जी। अगर उस पे हमें भरोसा तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, अगर तुम भरोसा नहीं करते तो फिर तो जी। रामायण रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, 48वां पाठ आपका चल रहा है और यही भव्य दिव्य राम जी रामलला के रूप में अयोध्या में विराजमान है। वो तो बहुत खुशी की बात हुई जी, वर्षों के बाद हमारे भगवान राम जी पधारे हैं अयोध्या में दोबारा जी। ये तो मोदी जी को श्रेय देना चाहिए जी, पहले तो जब मोदी जी की सरकार नहीं थी जब तो कोई ऐसा इतना भक्ति भाव में नहीं थे, लेकिन आजकल देखते हैं कि हम बहुत दुनिया भक्ति में जा चुकी जा रही है, जा रही है। वही बात है जैसा राजा वैसी प्रजा होगी जी। तो राजा हमारा भक्त भाव साधु संत आदमी है, उन्होंने भी बता सुनने में आया था कि हिमालय में रहे, दो साल रहे तपस्या करी उन्होंने जी। तो ये जैसा राजा है वैसी प्रजा हो रही है, धीरे धीरे ऐसे काफी बदलाव आ जाएगा जी, सनातन धर्म को काफी बढ़ोतरी मिलेगी इसमें जी। तो बस जी, अच्छा है जी मोदी। तो अगर जीवन में त्याग तपस्या साधना भक्ति की है तो फिर अगर राजा बनेंगे तो जीवों का परोपकार करेंगे जैसे हाँ, मोदी जी कर रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, जीवों का उपकार तो होएगा ही जी जी जी। महाराज जी अभी मोदी जी ने अबू धाबी में भी एक बहुत बड़ा मंदिर जो है उसका लोकार्पण किया, उसकी शुरुआत की, और वो मुस्लिम देश है और वहां पर जाकर जो है मोदी जी ने भव्य मंदिर का शुभारंभ किया है। बढ़िया है, वो तो भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, संत है जी, वो भी संत है, हम तो संत ही बोलते हैं उनको, वो भी संत ही है और अब पूरे वर्ल्ड में भी उनका इतना सम्मान बढ़ चुका है कि लोग बाग हमारे हिंदू धर्म में बहुत रुचि करने लगे हैं जी। यह जी धीरे धीरे जो लोग थे भटक रहे थे उनका भी भटकाव खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे, देख रहे हैं कि सनातन की हर जगह जय जयकार है, जय जयकार हो रही है, सनातन धर्म ही हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म है जी, और यही यही धर्म के भरोसे हमारा देश आज चल रहा है जी। और बाकी बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे राम मंदिर बन गया ऐसे कई और मंदिरों का भी पता चल रहा जी, है, यहाँ भी मंदिर था जी, वो भी सब होने चाहिए, हमारे हिंदू धर्म को ऊपर बढ़ोतरी मिलनी चाहिए जी।
तो जब मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बन सकता है, यानी हमारे प्रभु राम जी का मंदिर बन सकता है, भगवान भोलेनाथ शिव जी वहां पर विराजमान है, तो इसका मतलब धीरे धीरे पूरा वातावरण जो है वातावरण बदल रहा है, सनातनमय हो जाएगा, हो जाएगा सनातनमय जी। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पूरा सनातन ही छा जाएगा अच्छी तरह जी। तो सभी जो लोग अभी सनातन की ओर नहीं लौटे हैं, आपका ये कहना है कि उन्हें सनातन की ओर लौटना चाहिए, ठाकुर जी और राधा रानी की भक्ति में, रामलला की भक्ति में, भक्ति में भगवान किसी को भी भक्ति में करे, शिव जी में करे या राधा रानी कृष्ण में और भगवान राम में, गणेश जी में, गणेश जी, ये सब एक ही है, एक ही है सब जी, एक ही अंश जी जी जी। तो पूज्य महाराज जी का कहना है कि आप कुछ भी कहीं पर भी रहिए, लेकिन अगर अपने देव अपने सनातन की परंपरा का निर्वहन करते हुए भक्ति करते हैं तो जीवन उत्कर्ष होगा, जीवन आपका जरूर श्रेष्ठ होगा। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बार बार इस विषय को मैं इसलिए कहता हूँ कि आज के समय में भी अगर इतने घनघोर जंगल में पूज्य संत महाराज जी लोग दर्शन कर रहे, साधना कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी लोग तपस्या कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जहाँ पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है कंक्रीट में बदलता जा रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें जहाँ पर हैं, जहाँ पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े होते जा रहे हैं, वैसे में आज भी भारतवर्ष की धरती पुण्य और पावन इसलिए बनी हुई है कि ऐसे पूज्य महाराज जी लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और हम सब के भी पूरे विश्व के लोक कल्याण की कामना करते हैं। तो आइए सनातन की ओर लौटिए, आइए भारत की ओर लौटिए, आइए पूज्य संत महाराज जी के चरणों की ओर लौटिए। आप सबका निश्चित मानिए जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत, बहुत, बहुत।